नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज के इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे की, राहुल गांधी की तमिलनाडु में चुनावी रैली की, देखेंगे क्यूआर कोड से कैसे खुल रही है बीजेपी के घोटाले की पोल, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी फूट, जानेंगे आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोपों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाले केस में बीआरएस नेता के कविता को तगड़ा झटका, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। सपा ने जारी की एक और लिस्ट, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को दिया टिकट। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका की दायर, कहा लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता हूं, कोर्ट ने सीबीआई ईडी से मांगा जवाब। जंग की आहट के बीच विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, ईरान और इसराइल की यात्रा से बचे भारतीय। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनावों के वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ईवीएम और चुनाव आयोग की हो रही है। ईवीएम पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, इस बीच एक सर्वे सामने आया है, तो क्या है इस सर्वे में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम एजेंसियां जनता का मूड जानने के लिए सर्वे का सहारा ले रही हैं। देश की टॉप सर्वे एजेंसी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने एक प्री पोल सर्वे किया। सर्वे में चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर सवाल किए गए और इनके जवाब बेहद ही चौंकाने वाले आए। ईवीएम को लेकर 17% लोगों ने कहा कि सत्ताधारी दल के इशारे पर इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। 28% लोगों ने माना कि कुछ हद तक इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। 16% ने ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, तो 16% लोगों ने ईवीएम को सुरक्षित माना, यानी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। दूसरा सवाल चुनाव आयोग को लेकर था। सर्वे में शामिल 28% लोगों ने माना कि चुनाव आयोग पर काफी हद तक भरोसा है। 30% लोगों ने माना कि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक वो चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। 14% ने ये माना कि ज्यादा भरोसा नहीं। इसके साथ ही 9% लोगों का मानना है कि एकदम भरोसा नहीं है। अब अगर 2019 के सर्वे के परिणामों को देखें तो उस समय हुए सर्वे में 51% लोगों का चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास, 27% का काफी हद तक भरोसा, 7% का कुछ हद तक और 5% लोगों को एकदम भरोसा नहीं था। यानी 5 साल में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तेजी से घटी है। चुनाव आयोग सवालों में है, तो सवालों में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी हैं। आज राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने निशाने पर ले लिया, साथ ही मोदी सरकार पर भी करारा हमला किया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ ईडी व सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनाव आयुक्तों को प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, सीएम गिरफ्तार किए जाते हैं, विपक्षी नेताओं को धमकी दी जाती है, चुनाव प्रचार में विपक्ष के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है। एक तरफ पेरियार के विचार, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि एक राष्ट्र, एक नेता और एक भाषा। तमिल भाषा किसी भी अन्य भारतीय भाषा से कम नहीं है। इस देश में कई अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं और सभी हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे तमिलनाडु आना बहुत पसंद है और मैं यहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ। मेरे लिए तमिलनाडु के लोग, इसकी संस्कृति, इतिहास और भाषा सबसे बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत को समझना चाहता हूँ, मैं महान तमिल कवियों, इसके इतिहास, परंपराओं और विश्व पर तमिल लोगों के प्रभाव को देखता हूँ और इसके माध्यम से मैं भारत को समझ सकता हूँ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए तो उससे पहले ही तमिलनाडु की सड़कों पर अचानक ही पीएम मोदी के क्यूआर कोड वाले पोस्टर दिखाई देने लगे। दावा किया जा रहा है कि क्यूआर कोड स्कैन करने से मोदी राज के घोटालों की लिस्ट सामने आ जाती है। तो किसने लगाया ये पोस्टर, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में पीएम मोदी की रैली के बाद से डीएमके और बीजेपी के बीच बयानबाजी का सिलसिला बढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में अब तमिलनाडु में जीपे लिखे होने के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगे हुए पोस्टर सामने आए हैं। इन पोस्टर्स में पीएम मोदी की फोटो के साथ एक क्यूआर कोड भी बना हुआ है, जिस पर कृपया स्कैन करें और घोटाला देखें लिखा हुआ है। ये क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक वीडियो खुलता है, जिसमें एक व्यक्ति इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए
लिए बीजेपी के कथित घोटाले, सीएजी रिपोर्ट की अनियमितताओं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कथित भ्रष्टाचार के बारे में बताता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने बड़े कॉर्पोरेट्स के लाखों करोड़ों के कर्ज को माफ किया, तो इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि लोग बीजेपी को वोट ना देकर इंडिया गठबंधन को वोट दे। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये पोस्टर डीएमके कार्यकर्ताओं ने लगवाए हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अब तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर में रैली की। यहां पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने डीएमके पर हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइट है, जिसके बाद से दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है और अब ये पोस्टर सामने आए हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। अब इन पोस्टर्स में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार पर जरूर सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे सवाल तो इस समय बीजेपी के अंदर भी उठ रहे हैं। यूपी में टिकट वितरण के बाद से ही बगावत के हालात हैं। बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर, जहां पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। चंद ही दिनों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार, कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी नेता पार्टी से बगावत पर उतर आए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। यहां बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल संगीत सोम मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यहां से डॉक्टर संजीव बालियान को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद से संगीत सोम हाईकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं क्षत्रियों को राजनीतिक भागीदारी कम मिलने के चलते बीजेपी से नाराजगी भी सामने आ रही है, और इस नाराजगी का केंद्र मुजफ्फरनगर के सरधना में ठाकुर चौबीसी यानी क्षत्रिय बाहुल 24 गांव है। बीजेपी के लिए मुश्किलें यहीं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि बरेली में भी बीजेपी की अंदरूनी कलह बाहर आने लगी है। बरेली की सीट पर पार्टी ने 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया है, जिसे लेकर संतोष गंगवार पार्टी से नाराज चल ही रहे थे कि अब मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के वायरल ऑडियो क्लिप ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। इस ऑडियो में वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमने यहाँ की बड़ी हस्ती को मिटा दिया है, जिस पर संतोष गंगवार समेत यहाँ का कुर्मी समाज भी बीजेपी से नाराज हो गया है और चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। संतोष गंगवार ने भी मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करने से बीजेपी को पूरे प्रदेश में नुकसान होगा। एक तरफ बीजेपी अपने नेताओं की बगावत से मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप भी मुश्किल में है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आपको राष्ट्रपति शासन का डर लग रहा है, तो क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सियासत काफी गर्माई हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने बीजेपी पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को ईडी और केंद्र की बीजेपी सरकार ने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और आपको प्यार करते हैं। जनता ने 2013, 15, 2020 के विधानसभा चुनाव और 2022 के एमसीडी चुनाव में हमें अपार समर्थन दिया। बीजेपी को मालूम हो चुका है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, तो इसलिए अब ये लोग केजरीवाल की चुनी हुई सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने के लिए तमाम साजिशें रची जा रही हैं। दिल्ली सरकार के कई विभाग खाली हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा IAS अफसरों की तैनाती हो रही है। अधिकारियों ने आचार संहिता का बहाना बनाकर मीटिंग में आना बंद कर दिया है। LG के द्वारा MHA को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बिना मुद्दों के पत्र लिखे जा रहे हैं। ये सब संकेत हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली में चुनी हुई सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। मोदी सरकार पर अब तक केजरीवाल की सरकार गिराने के ही आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब मामला राष्ट्रपति शासन तक पहुंच गया है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है मोदी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। आपने बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है, तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो क्या कहा है तेजस्वी ने, ऐसा जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव के बयानों ने विरोधी दल की नींद उड़ा रखी है। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार ने मोदी जी को 40 में से 39 सांसद दिए, केंद्र में 10 साल से बीजेपी सरकार, 17 साल से बिहार में सरकार, केंद्र में मंत्री, दिल्ली में इनका शासन,
पटना में इनका शासन प्रशासन सीबीआई ईडी आईटी और गोदी मीडिया इनके साथ, बड़े पूंजीपति भी इनके साथ। फिर बिहार की युवाओं को नौकरी देने, विशेष राज्य का दर्जा देने, विशेष पैकेज देने, बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए। इतने सांसद और डबल इंजन सरकार के बावजूद भी आप बिहार को कुछ ना देकर उल्टा बिहारियों को ही भला बुरा कहने बिहार आते हैं, तो अब की बार बिहारी आपको कड़ा सबक सिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो पर बोले कि वो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए रोड शो पर गए हैं। हालांकि हम लोग वजह जान रहे हैं कि उन्हें क्यों रोड शो पर भेजा जा रहा है, लेकिन उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वहीं अमित शाह के द्वारा ईडी की कार्यवाही पर तेजस्वी यादव बोले कि इसमें दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी की गया में रैली पर कहा कि प्रधानमंत्री को गया में बताना चाहिए कि उनके सांसद ने क्या किया। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी कर ली है और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और किसानों की स्थिति बनता दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ने तो मोदी राज में किसानों की खराब स्थिति को लेकर जो आंकड़े सामने रख दिए हैं, उससे बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही है। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त हर दल अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ढेरों वादे कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ वादे कांग्रेस ने भी किए हैं, साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी। किसानों की ना तो आय दोगुनी हुई और ना ही एमएसपी दी गई। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ना सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वालों किसानों की भी मांग यही है। वह सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 10 साल में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज देश में हर दिन 30 किसान अपनी जान ले लेते हैं। बीजेपी राज में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने खुद की जान ले ली है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं और उपकरणों पर जीएसटी वसूली जाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश में ना तो आतंकवाद है और ना ही अलगाववाद है। वैसे तो उनके लिए ना तो किसानों का मुद्दा है, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है और ना ही मणिपुर का मुद्दा है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि इस बार 400 पार, तो देखते हैं इस बार वो पार होंगे या देश की बेहाल और परेशान जनता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।